Aspavari Paripurna Lochanam Marutim Namatarakshasantam Vanchakalpataro Vyashche Kripasindo Vyaye Bhakti Bhagavant Guru Chaturinam Vapure Inike Padavandane Kine Nasai Vegnumane Mangalayadi Vishadirah Vastunayo Harijaneko yasya gavate Harijana mangalaru Santana matnirne kiyo Shruti purana itihas Bhajveko doi sugare ke hari da Shri Guru Agradev Agyanai Hari Bhaktan Ko Yasya Bhavasagar Ke Taraniko Nahine Oryoka Hari Juvaye Viraji Katha Suno Itihas Tum srota ya malike Tava padraj mamua Tum piche jo rehe Srota hai ras khan Tinike sakal manorath Kurvahu Shri Bhagavan Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Shri Vake Bihari Lal Ki Shri Radha Vallabh Lal Ki Shri Yugal Sarkar Ki Shri Yamuna Ras Rani Ki Shabh Sand Bhagwan Ki Anant Koti Vaishno Ki Shri Hanumant Lal Ji Maharaj Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Yamuna Ras Rani Ki Jai Jai Shri Radhe Nitai Gaur Hari प्रातस्मरणी परम वंदनी श्री नाभादास जी महाराज ने
परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल जी में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। एक छप्पे में नाभाजी महाराज श्री मीराबाई जी का परम पावन चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सदस्य गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगनी दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बांको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री नाभा जी कहते हैं, भक्तिमती श्री मीराबाई जी ने इस कराल कठिन कलिकाल में गोपियों के समान श्री नंद नंदन वृंदावन चंद मदन मोहन श्री कृष्ण को अपने में प्रकट करके दूसरों को भी दर्शन कराया। स्वच्छंद और निडर होकर रसिक शेखर श्याम सुंदर के दिव्य गुणों को दिव्य यश को गाया खुलेआम। राणा ने अनेक प्रकार के मारने के उपाय किए, लेकिन बार न बांको भयो, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ, चाहे वो सांप से कटवाया हो कि सांप पिटारा राणा भेजिया, और चाहे विष का प्याला भेजा हो। मीरा जी सहज में चरणामृत बोलते ही चरणामृत समझ के हलाहल विष को पी गई, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं, आपने बिना किसी लोक लाज लज्जा का त्याग करके कुल मर्यादा की परवाह ना करके श्री गिरधर गोपाल को भजा। ये लोक लाज की वेदी जो है स्त्री के लिए बहुत बड़ी वेदी है, पुरुष के लिए तो है लेकिन इतना नहीं करता है, लेकिन माताओं के लिए विशेष लोक लाज की वीणी होती है। आपने परवाह नहीं की, आगे आप चरित्र में श्रवण करेंगे सासू तक की परवाह नहीं की। सासू कहती है पूजा करो देवी की, बोले क्यों करो, बोले हमारी रीति है, बोले क्या होता है इसको पूजा करने से, तो कहते हैं कि सुहाग अमर रहता है। बोले जी विधवा कैसे हैं भड़े, दो चार जने विधवा भी थी, बोले विधवा कैसे हो गई, इन्होंने तो पूजा होगा पहले आके, अब कैसे विधवा हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। श्री नारायण स्वामी कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस
चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। अगर कोई प्रेम रस को पाना चाहता है और साथ में ये चाहता है कि समाज में हमारा आदर बना रहे, नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बस ऐसे ही ये चाहो कि हमारे कपड़े बढ़िया हों और प्रेम रस आ जाए, नहीं बनेगी बात। क्यों? उसको होश ही नहीं रहेगा फिर, जब प्रेम रंग आया तो। फिर कहां पड़ा आया, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। तभी तो कहते हैं ना, ये प्रेमी लोग होते हैं ये पागल होते हैं, अवधूत होते हैं, कहीं पड़े हैं, बाह्य दशा शून्य होते हैं। प्रेम तो तभी हो सकता है जब स्वसुख की चाहना ना हो। गोपियां जिनका जीवन पूरा केवल श्याम सुंदर को समर्पित, गोपी कौन, गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हैं, वो है गोपी। कहते हैं ना, भजन करना है गोपी भाव से, गोपी भाव से। गोपी क्या है, बोले भाव है, अर्थात जो संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हैं, वो गोपी है। कोई लहंगा फरिया चूड़ी पहन के वो गोपी नहीं हो जाती है, वो तो हृदय का हृदय की वस्तु है, अंदर की। नारायण स्वामी कहते हैं दोनों काम करता है, तो वो कह रहे हैं नारायण प्रेमी नहीं तो क्या है, बोले बातन को महाराज, अर्थात वो बातू नहीं है, बात बनाने वाला है और कुछ नहीं है। चंदन पंक गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाए धरोरी, तूल भयो तन जात जरो, यही बैरी दुकूल ही दूर करोरी, समुझ झूठ सबै उपचार, वियोग की आगी न पागी जरोरी, लाज के ऊपर गाज परे, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। बोले और सब में आग लगा दो, बोले घर फूक के तमाशा देखना है तो इस राह पे चलो। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबते निवहत नाही, और चढ़के मोम तुरंग पे, और चलगो पावक माही। मोम के घोड़े पे बैठ के और आग में से बाहर निकलना है, अब बताओ क्या होगा। तो मोम का घोड़ा होगा और आग से निकलेंगे तो क्या होगा, पिघलेगा नहीं पिघलेगा। बस बोले प्रेम पंथ में पग बाद में रखना, तो पहले शीश ने काट, पहले मस्तक को कटा हुआ समझो। ये ठाकुर को पाना बहुत सहज है और ठाकुर को पाना बहुत कठिन है। उनकी मर्जी हो तो बहुत सहज है, और उनकी मर्जी ना हो तो तुम कर लो जो करना है। और किस बात पे रीझ जाए ये पता नहीं, कुछ ना करो तो रीझ जाए, कुछ ना करो इसी बात पे रीझ जाए, क्या ये कुछ नहीं करता इस पे रीझ जाओ, कुछ पता नहीं। किशोर जी देखो, जयपुर की बात,
किशोरी उसकी पत्नी का नाम जगन्नाथ भट्ट, उनकी पत्नी का नाम किशोरी, बहुत सुंदर थी, बहुत प्यार करता था। अब संयोग की बात, वो मर गई जवानी में, अभी आई थी, कुछ ही समय बीता था, मर गई। वो पागल सा हो गया, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के, तेरे बिना कैसे जीऊंगा मैं, और पागल सा हो गया। हो जाते हैं विक्षिप्त, खाना पीना भूल गया, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, मेरी किशोरी तू चली गई। होते हैं लोग ऐसे। एक राम जी भाई के पास थे, बूढ़े थे बहुत, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, कब की मरी थी पत्नी, और पूरे कमरे में वो पत्नी पत्नी का चित्र लगा रहा था, उसकी दशा विचित्री थी, मरने वाला 85 वर्ष की अवस्था होगी, 80-85 की, फिर भी दशा विचित्र है। विन्नाम में सब ऐसे मिलते हैं, सब एक से एक। तो जगन्नाथ भट्ट जी किशोरी किशोरी जी लाते हुए, भूख प्यास कुछ होश नहीं, वो करते करते आ गए बरसाने, और बरसाने में भूख प्यास से व्याकुल होकर पड़ गए, और आवाज, हा किशोरी तुम क्यों चली गई, हा किशोरी तुम क्यों चली गई। अब श्री जी सखियों के साथ बाहर निकली वहां से वन विहार के लिए, कलता विशाखा इंदुलेखा चित्रा रंगदेवी सुदेवी सब साथ थी। हा किशोरी, श्री जी बोले ललते कोई है बुला रहा है, अभी कर पा रहे हो, हमें बुला रहा है कोई। ललता जी बोली नाना प्यारी जी आपको नहीं बुला रहा है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। ललते कैसी बात करती है, उसकी पत्नी मर गई ना, बोले हाँ मर गई। उसकी पत्नी से पहले किसका नाम था किशोरी, बोले आपका, और मर गई तो किसका नाम रहेगा किशोरी, बोले आपका, और हमेशा किसका नाम रहेगा किशोरी, बोले आप, तो फिर क्यों बोलती मेरे को बुला रहा है। तो ललता जी बोले जब कृपा करनी है तो बहाने क्यों बना रही, चलो सीधे। तो पास से पहुंच गई, वो तो आंख बंद थी, रो रहे थे, हाँ किशोरी, बोले आंख खोलो सखी हम आ गई। आंख खोला, श्री जी के सौंदर्य को देख के सब भूल गए, जड़वत हो गए एकदम। किशोरी जी ने अपने कर्म में पधरा दिए मस्तक पे, आज से तू हमारी सखी हुई, स्वरूप दे दिया उसको और नाम रखा उसका अली किशोरी। और फिर इतने सुंदर सुंदर पदों की रचना की उन्होंने, आधो नाम तारी है राधा, राके कहत रोग सब मिटि है, धाके कहत मिटे सब बाधा, राधा राधा रटो निरंतर, गावहिं वेद पुराण अगाधा, अली किशोरी जाऊं कहां अब, कह रहे हैं यही, अली किशोरी रटहु निरंतर, वेग ही लग जाए भाव समाधा, आधो नाम तारी है राधा, राधा कहने की जरूरत नहीं, रा कहते ही बोले सब पाप बाहर पड़ जाते हैं, क्योंकि धा कहते फिर वापस नहीं आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पुत्र रचना की, और श्री जी नपना लिए बरसाने में। तो पता नहीं किस बात पे ये रीत जाए, कुछ नहीं पता। और देखो कितने कितने सन्यासी 88,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। यहां तो एक ही बात है, सब आस छोड़ के रोदन कर लो, ठाकुर कुछ नहीं है तू जान। किशोरी मोही अपनी क
करी लीजे और दिए कछु भावत नाही और दिए कछु भावत नाही वृंदावन रज दीजे वृंदावन रज दीजे किशोरी मोहि अपनी कर लीजे खग मृग पशु पक्षी आवन के खग मृग पशु पक्षी आवन के चरण शरण रख लीजे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलनी कीजे महल टहलनी कीजे किशोरी मुहि अपनी करी लीजे हे स्वामी जी हे किशोरी जी मुझे अपना लो महल टहलनी कीजे मुझे अपने महल में कोई सेवा कोई सी सेवा मुझे प्रदान कर दो तो मैं धन्य हो जाऊं। तो कह रहे हैं ब्रजराज मिले सोई काज करो रे और सब में बोले आग लगा दो। श्री रसखान जी कहते हैं ये सब उसी रस में पगे हुए हैं। रंग भरो मुस्कात लला कल निपसो कुंजन दे सुखदाई कल श्याम सुंदर बढ़िया पीतांबर उंबर पहर के और फेंटा कस के सिर पे मोर मुकुट ढोल पगड़ी धारण करके और एक गेंद हाथ में लेके और महाराज के खिलाते हुए मचलते हुए निकले गली से। मैं तभी निकली अपने घर से काम के लिए और सामने से मुलाकात हो गई। तो रंग भरो मुस्कात लला कल निकस्यो कुंजन ते सुखदाई मैं तब ही निकसी घर सो तक नैन विशाल की चोट लगाई। माने ऐसे जी भर के देखो कंजन नैनते हुए मैं तो मर गई। मैं तो क्या हुआ बोले बाण लग गया हृदय में। अरे घूम गिरी चक्कर से आई मैं देखो घूम गिरी धरणी जमीन पे घूम गिरी धरणी हरणी कैसे जैसे हिरणी को बाण लग जाए और हिरणी पट्ट कर जाती ऐसी मैं भी गिरी। घूम गिरी धरणी हरणी रस खान सुबाण लगी ही माई। तो क्या हुआ बोले टूट गए घर के सब बंधन छूट गई कुल लाज बढ़ाई। ऐसी गिरी भूल गई सब मेरे ससुर ससुर सब रे आगे का हो मेरा घूंघट खुल गो लाज बाज सब भूल गई मैं ये दशा वही मोबाइल में देख दिया तो और कहीं हाथ लगा दे तो का हो तो मेरा मीरा जी ने लोक लाज कुल कानी को तिलांजलि देकर श्री कृष्ण गोपाल को भजा क्योंकि भक्ति में यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग जहां तिलक लगाया स्विच चालू हो जाता है तिलकधारी जहां कंठी पहनी तुरंत अरे सबसे बड़ा भगत बन रहे तू तो ये भक्ति चल रहा है रही है सबरी भक्ति तो कोई आ रही है कहां से सीखो डॉन विद्या। अब महाराज व्यक्ति जान बुझ के ना चाहते दूसरे लगाए तो बोले लगाएगा नहीं तो फिर गई भक्ति। भक्ति के ये दो पत्ते हैं तिलक और कंठी और ये पत्ता अगर बकरी चर गई तो फिर पौधा नहीं होगा। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो कुत्ता भूखे हजार
और हाथी चले बाजार, जो भक्त है भगने दो अपना काम करते रहो। कुछ दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि वो चुप हो गए, जवाब मत दीजिए, अपने आप चुप हो जाएंगे। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूं सेवकाई। ये बाधक है, ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। सुख संपत्ति परिवार ये बाधक है, कौन कहेगा? तो कह रहे हैं कहीं संत, सब नहीं कहेंगे, कहीं संत तव पद अवराधक। कौन कहते हैं? जो आपकी उपासना में रत हैं वो कहेंगे, बाकी सब तो कहेंगे परिवार अच्छा है, संपत्ति अच्छी है, सुख अच्छा है। तो संत कह रहे हैं लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। कहते हैं द्वापर में तो गोपियां हुई हैं, लेकिन इस कलयुग में श्री मीरा जी हुई गोपी की समान ठाकुर को भजने वाली। बहुत से कहती हैं नाम ही रखा लेती है मीराबाई, दूसरे मीराबाई। तो मीराबाई बनना कोई सहज नहीं है, नाम रखाना अलग बात है, उसकी थोड़ी सी गंध आ जाए तो बात बन जाए। गोपियों ने कृष्ण को देखा, अनुभव किया, लेकिन प्रेम का निर्वाह किया, किसी को दर्शन नहीं कराया। लेकिन श्री मीरा जी ने कितने को दिखाया, यहां तक कि भोज राणा आया था, आगे आप श्रवण करेंगे, मीरा जी के कमरे में आया, किसी ने कह दिया कि मीरा जी किसी से बात करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। बोले अच्छा, तो तलवार लेके, नंगी तलवार लेके आया, और ठाकुर जी उसके उस समय मीरा जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, पासे हाथ में थे, और एक लात मारी किवाड़ में, उसने किवाड़ खुल गया, तो ठाकुर जी तुरंत मूर्ति बन गए, पासे हाथ में थे। कहाँ है, कौन है जिसे तू रंग लिया मना रही है? तो यहाँ तो कोई नहीं, सब जगह देखा और नहीं देख रहे, सामने बैठे हैं, उनके हाथ में पासे भी हैं, ठाकुर जी के हाथ में मूर्ति बन गए, पासे भी रखे, अब नहीं दिखाई दे रहा। बाद में कहा कहाँ है, नहीं इन्हीं से बात कर रहे थे। अब उसकी बुद्धि में कहाँ से आवा कि मूर्ति बात करेगी? तो यहां कह रहे हैं मीरा जी ने अद्भुत भक्ति की, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र, कितना मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे ही जाको राखे साइया मार सके न कोई, बार न बांको कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए जनाया गया कि मीरा जी ने गुपचुप भक्ति नहीं की, कोने में बैठ के अपने कमरे में खुलेआम किया, संतों के बीच में नाच नाच के किया। अब कहती हैं अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं मेर तो जन्म भूमि झूमि हित नैन लगे, पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। श्री मीरा जी का जन्म जोधपुर के पास
मीरता नाम के नगर में हुआ था। बचपन से ही आप अपने पिताजी के साथ रहती, तभी प्रेम परवश होकर आपके नैन से गिरधारी याद से लग गए, गिरधर गोपाल से। बोले कैसे? एक संत पधारे जो 5 साल की थी मीरा जी, एक संत पधारे, उनके साथ में उनके ठाकुर जी थे जिनका नाम गिरधर गोपाल। अब संत जी पधारे तो 5 साल की थी तो दूर से चुपके चुपके देखती है क्या कर रहे हैं। कोई भी देख लो, हमारे घर में कोई नया व्यक्ति आए तो बच्चे देखते कौन आया नहीं आई, पास में नहीं जाएंगे, दूर दूर से देखेंगे, और अगर एक बच्चा और हो तो बात करेंगे, ये देख देख क्या कर रहे हो ये। ब्रजवासी बालक होते हैं बड़े अच्छा बोलते हैं, और जो मल्ला के होते हैं ना बड़े शुद्ध बड़ी भाषा बोलते हैं। झंडा किनारे देख तो थे दीपावली जी कहा कर रहे हो, देखिए देखिए आपस छोटे छोटे होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, देखो जी कहा कर रहे हो, आँख बंद कर रहे हो जी। तो बोले के तो कहा है आपस में, तो कहा है इन्हें चल रहे चल रहे, पूछेंगे बाबा आँख बंद कहीं कर रहे हो, हम खड़े खड़े बैठे सुन रहे थे, वाह देखो कैसे ठाकुर के इनके अंदर कैसे लीला करते हैं ठाकुर, और इतने उद्यमी भी होते हैं। सुन तू कमंडल उठा लियो, बोले बनाना है मारे हो तो मारे को छोड़ देंगे ऐसे आप उसमें। बोले अच्छा चले एक रुपया मांगेंगे चल बाबा थे, आपस से बात करते करते रहते। तो ऐसे ही मीरा जी दूर से देखती कि वो गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, उनके श्री उनको पहुंच रहे हैं, फिर सुंदर उनको पोशाक धारण करा रहे हैं, सुंदर उनको मुकुट पहरा रहे हैं, माला पहरा रहे हैं, सुंदर सुंदर फिर ठाकुर को भोग लगा रहे हैं, सुंदर धूप दिखा रहे हैं, फिर आरती कर रहे हैं। मीरा जी देखती रहती महाराज। अब देखो जिसका जन्म पूर्व जन्म का संस्कार होता है ना तो उसका पुलकायमान तुरंत हो जाता है। तो श्री मीरा जी 5 साल की हैं और अलग ही पुलक हो रहा है, अलग ही प्रसन्नता हो रही है, रोमांच हो रहा है, सारे रोई खड़े हो गए, मन में आया कि हम भी सेवा करेंगे। देखते 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 बैठी की बैठी बैठी रह जाती, समाधि से लग जाती। एक संत सुनाते थे मीरा जी पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, और माधवी जब ब्याह के आई ब्रज में